प्रदोष पड़ रहा है और बाबा की कृपा है आप पर, जो प्रदोष के दिन अगर जिंदगी में दुख है, बहुत भारी दुख है, सबके हाथ जोड़कर देख लिया कोई साथ नहीं दे रहा, तो एक बार शंकर की शरण में जाना, साथ शमी के फूल ले जाना, शमी के पत्ते नहीं, क्या शमी के फूल, शमी के वृक्ष में जहां शमी के पत्ते लगते हैं वहां शमी के फूल भी लगते हैं, केवल सात फूल शमी के लेकर जाओ और हाथ की अंजलि में उस शमी के फूल को रखकर भगवान देवाधिदेव महादेव का सात बार स्मरण कर अपनी कामना कर भगवान शंकर को प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन से मतलब नहीं है, प्रदोष काल से मतलब, प्रदोष काल में शंकर के शिवलिंग पर वो फूल समर्पित कर दो, वो सात की सात पुष्प, केवल ज्यादा से ज्यादा 11 दिन कर तो देखो कितने दिन करना है, 11 दिन, अभी तक दुनिया के हाथ जोड़े थे ना तुमने, अभी तक दुनिया के लोगों से जाकर पैसा मांगा था ना तुमने, अभी तक दुनिया से जाकर कहा था ना कि भैया 2 लाख का सपोर्ट करो, 4 लाख का करो, अभी तक तुम दुनिया के लोगों से आस लगा कर बैठे थे कि मेरा भाई देगा, मेरा परिवार देगा, मेरा कुटुंब देगा, मेरा जीजा देगा, मेरा फूफा देगा, मेरा मामा देगा, मेरा चाचा देगा, अभी तक दुनिया के लोगों से आप ये सोच कर बैठे हो कि पैसा वो दे देगा, सपोर्ट वो कर देगा, दुकान वो डलवा देगा, फैक्ट्री वो डलवा देगा, काम वो करवा देगा, अब एक काम कर देखना कि किसी के दरवाजे पर हाथ ना जोड़ते हुए उस शंकर की चौखट पर जाकर आप शमी के पुष्प ले जाकर उसको रिझाने का, अब शमी के फूल कोई महंगे मिलेंगे, अरे बोलो तो फूल वाले की दुकान पे मिलेंगे नहीं, वो तो शमी के पेड़ पे लगते, तुम तोड़ लो चढ़ा दो, अब उसमें कोई कीमत लगेगी क्या, अब उसके बाद भी लोग कहें कि हम तो बहुत गरीब, हमारे पास चढ़ाने का कुछ नहीं, तो शमी के फूल चढ़ाने में क्या दिक्कत है, आप उसको रिझाने का तरीका ढूंढो कि मैं शंकर को कैसे रिझा सकता हूं। अगर पति की नौकरी नहीं लग रही, पति का जॉब नहीं लग रहा, पति कोई काम धंधा नहीं कर रहा, तो शनिवार के दिन चढ़ाओ शंकर भगवान पे शमी के फूल, लड़के और लड़कियां अगर गलत संगत में जा रहे हैं, बच्चे गलत संगत की ओर जा रहा है, तो उसको मंगलवार के दिन चढ़ाओ शंकर जी पर शमी के फूल, अलग अलग दिन का अलग अलग महत्व जानते हुए शंकर को रिझाने का 11 दिन 7 दिन 21 दिन मैं बाबा को रिझाऊंगी, मैं शंकर को मनाऊंगी, अब सब को छोड़कर अब उसकी शरणागति रहूंगी, अब उससे कहूंगी इस हृदय आपसे निवेदन है, जिंदगी में प्रयास करना, जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आप कि जीवन में संपदा की वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना, प्रयास, तब प्रयास करिएगा कि कहीं नहीं जाना, एक शमी का पुष्प आस्था चैनल पर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, नीले कलर का, एक सुबेरे कोई पत्रकार बंधु भी हमको ला कर दिए हैं शमी का पुष्प, टीवी पर आपको आस्था वाले दिखा रहे होंगे, उसको अच्छे से देख लेना, ये तो हमारे हाथ में कोई एक पत्रकार बंधु ने ला कर दिया था शमी का पुष्प, ये कलर का देखिए, हाँ आप ही लाए थे उसको, साधु वार्ता, तो ये शमी का पुष्प है, भूल से भी अगस्त से मार्च अप्रैल तक शमी का फूल आता है, लगभग एक आध महीना कोई वृक्ष ऊपर नीचे हो सके तो हो जाए, पर समय यही रहता है लगभग, प्रयास कर, एक शमी का पुष्प भी अगर भूल से भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को भूल वश भी चढ़ जाता है, तो व्यक्ति खड्डे में नहीं गिरता, अगर गिर भी गया तो उबर कर वापिस बाहर आ जाता है, धन वैभव संपदा में शमी पुष्प की बड़ी महत्वता, बड़ी महत्व, शमी का पुष्प बारह महीने की शिवरात्रि आती है,
बारह महीने एक ठेला चलाने वाला, रोड पर बैठकर कपड़े बेचने वाला, ट्रेन में एक साधारण सा व्यक्ति जो भिक्षा भी मांग रहा हो, ऐसा साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर शमी के पुष्प को बारह महीने, जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर, बस शाम के समय पर प्रदोष काल में एक शमी का पुष्प यदि समर्पित करना चालू कर दे तो मेरा महादेव उसका हाथ पकड़कर उसकी उन्नति की ओर उसको दृढ़ कर देता, नीचे आ ही नहीं सकता। पंच पुष्पों का व्याख्यान हमारे यहाँ शिव महापुराण करती है, कितने पुष्प जम के बोलो जरा, ऐसा पंच पुष्प, एक एक पुष्प की महत्वता आपके जीवन में होना चाहिए। साथ की शिवरात्रि आ रही है, छोड़ना मती, बेलपत्री का पत्ता जल में डालकर भले पत्ते को निकाल देना और वो जल, जो रोग है, जो बीमारी है, संपदा नहीं आ रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हो, क्रोध पड़ रहा हो, तो भी बाबा पर घर के प्रत्येक व्यक्ति एक लोटा जल जरूर चढ़ा के आना, शिव को नमन कर कर आना, ये मौका नहीं मिलता, चढ़ाओ। बैसाख के महीने में एक पकवान बनता है शंकर जी का, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के तीन नेत्र हैं, बेलपत्री में भी तीन बोलते जाओ पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी तीन ही चीज मिलती है, सत्तू, कोई दूसरे महीने में बनता है जमके तो बोलो नहीं, कब बनता है यही बैसाख के महीने में, चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गला कर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है।